इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन के निदेशक डॉक्टर बिपिन मेहता ने झारखंड की जनता से बर्ड फ्लू से नहीं घबराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा नहीं है। सब जगह प्रचारित हो रहा है कि मुर्गी, बतख, कौवे तथा अन्य पक्षियों के जरिए बर्ड फ्लू झारखंड में आया है। यहाँ के जनमानस के लिए यह कहना चाहता हूँ कि सभी जिलों से सैंपल प्राप्त हुए हैं। आरडीडीएल कोलकाता में 3000 सैंपल भेजा गया है। राज्य सरकार केंद्र के नेशनल लैब हाई सिक्योरिटी में फिर सैंपल दोबारा भेजेगी। विभाग और प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। यह देखा जा रहा है कि कहीं कहीं जंगली पक्षी मृत पाए जा रहे हैं, इसका ट्रैकिंग किया जा रहा है। राज्य सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो 9835152390 है। इसे लोग मृत पक्षी अथवा जानवर के पाए जाने पर तत्काल संपर्क करें। विभाग की तरफ से जहां से भी ऐसी खबरें आ रही है उस पर त्वरित कार्रवाई कर सैंपल जांच के लिए भेजी जा रही है। यह भी लोग सोच रहे हैं कि पोल्ट्री प्रोडक्ट में भी बर्ड फ्लू हो गया है, पर जो पोल्ट्री प्रोडक्ट को खाना चाहते हैं वह आराम से खाएं। बर्ड फ्लू का वायरस 70 डिग्री सेल्सियस में समाप्त हो जाता है। हम लोग अपने भोजन को 150 डिग्री सेल्सियस तक पकाते हैं, ऐसे में वायरस का बचना नामुमकिन है। अब लोग घबराए नहीं, सुरक्षित रहें। सभी जिला मुख्यालय के पशु अस्पताल में लोग इसकी सूचना दे सकते हैं। झारखंड में बर्ड फ्लू का कोई प्रकोप अब तक नहीं दिखा है, परंतु अभी तक हमारे राज्य में इस तरह की कोई संभावना नहीं है। यह हमें देखा जा रहा है कि यहाँ कहीं कहीं पर जंगली बर्ड पाए जा रहे हैं, मृत पाए जा रहे हैं, जिसका ट्रैकियल और क्लोरिकल स्वाब कलेक्ट करके संस्थान को भेजें ताकि उसको शीघ्र प्रयोगशाला को भेजा जा सके। इसके लिए आप निकटतम पशु अस्पताल या राज्य द्वारा स्थापित हेल्पलाइन नंबर 9835152390 से संपर्क करें। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा। Oh,